नितेश ने 2016 में पैरा बैडमिंटन स्टार्ट किया था। मैं उसी का सीनियर प्लेयर हूँ। मैं भीमावाड़ी भी हूँ। मेरा नाम राकेश पांडे है। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स करनाल में अपॉइंटेड हूँ 2021 से। मैंने वैसे हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट 2015 में ज्वाइन किया था। तो शुरुआत में नितेश ने ट्रेनिंग मेरे से ही ली है। अभी एक साल से वो गोपीचंद अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो। और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया आपको कि मॉर्निंग 4:30 बजे वो ट्रेनिंग पे आ जाता है। 4:30 से 8:30 बजे तक सुबह ट्रेनिंग करता है। उसके बाद 11 से 1 जिम भी करता है। उसके बाद 2:30 से 7:30 बजे तक शाम को बच्चों के साथ खेलता भी और खिलाता भी है। और IIT ग्रेजुएट मंडी से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से कि 2018 में वो ओवरनाइट जर्नी करके आता था, उसके बाद सुबह 5 बजे यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग करता था, उसके बाद घर जाकर ब्रेकफास्ट करके वो मेरे साथ ही रहता था। कब से यहाँ था वो और किस पोस्ट पे थे यहाँ? ये वो उसने 2018 में सीनियर कोच ज्वाइन करा था। अभी भी करनाल में ही अपॉइंटेड है, बट जैसे ही उसका सिलेक्शन पैरालंपिक्स में हुआ तो उसने ट्रेनिंग वहाँ पर बहादुरगढ़ में भी, शाइनिंग स्टार में भी करी कुछ टाइम के लिए, और हैदराबाद में भी करा है गोपीचंद अकेडमी। करनाल के लिए एक हर्ष की बात है। बिल्कुल हर्ष की बात है सर, कि एक तो नितेश जी ने फर्स्ट पैरालंपिक्स में गया खेलने और उसी में गोल्ड मेडल जीत करके आया, तो हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.